टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस सब क्वेरी. सब क्वेरी क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे. आप लोग तब तक इस स्लाइड को रीड कर सकते हो, मैं बस कनेक्ट करके बता रही हूँ. माउस कनेक्ट कर लूँ मैं थोड़ा. नाउ सबसे पहले व्हाट इज अ सब क्वेरी. सब क्वेरी इज अ क्वेरी विच इज डिफाइंड अनदर क्वेरी. ओके बिफोर दैट आई विल टेल कि सेट और सबसेट क्या होता है वो मैं बात करते हैं. तो सपोज अगर मैंने यहां पर एक ये लिखा, एक सेट है. इफ आई ड्रॉ वन मोर सेट हियर लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड द सबसेट फॉर दिस. अगेन इफ आई ड्रॉ दिस, आई मीन यहां पर अगर आप मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखते हो तो इफ आई राइट हियर 2 + 3 दिस एंड देन अगेन मैंने यहां पर लिखा 5, तो आप क्या करोगे यहाँ पे पहले 2 + 3 को सॉल्व करोगे, देन द आंसर विल बी 5. तो आपने लिखा 5 एंड द आउटर पार्ट इज व्हाट हियर नाउ द 6, अगेन 5 एंड देन ब्रैकेट क्लोज. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी सॉल्व करेंगे जो भी अंदर वाला पार्ट होगा जो स्मॉल ब्रैकेट अंदर था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दैट, देन टेक द आउटर वन लाइक दैट. तो आई मीन टू से कि दिस ब्रैकेट, आई मीन ये जो है ये चाइल्ड ब्रैकेट हुआ इस वाले ब्रैकेट के लिए, तो ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया. इन द सेम वे हियर आई यूज 3 थिंग्स. तो अगर सपोज करो मैंने यहां पर एक क्वेरी लिखी, तो हम इसे बोलेंगे, क्योंकि दिस ब्रैकेट इज डिफाइंड दिस वन, तो हम इसे बोलेंगे चाइल्ड. ये चाइल्ड हो गया हमारा. तो चाइल्ड यहां पर हमने डिफाइन किया एंड फॉर दिस चाइल्ड दिस वन इज एक्टिंग एज अ पेरेंट, बिकॉज दिस क्वेरी, आई मीन यू कैन इमेजिन कि दिस इज अ क्वेरी. आपने जो भी क्वेश्चन किया ये क्वेश्चन जो है इसका सब क्वेश्चन है. तो दिस क्वेरी इज नथिंग बट द सब क्वेरी, और यू कैन से चाइल्ड क्वेरी. इसी को हम बोलते हैं सब क्वेरी, चाइल्ड या सब क्वेरी आप बोल सकते हो. उसके बाद क्या, जो इसके ठीक ऊपर होगा उसे हमने बोला पेरेंट क्वेरी, एंड दिस पेरेंट इज डिफाइंड अनदर दिस वन. तो इसे हम बोल रहे हैं यहां पर दिस वन इज ऑल्सो द पेरेंट. पेरेंट फॉर वॉट, पेरेंट फॉर दिस वन. ये जो मिडिल में मैंने लिखा इसके लिए ये पेरेंट हो गया बाहर वाला. तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो ये चलिए नंबर वन हुआ, ये नंबर टू हुआ, ये नंबर थ्री है. तो नंबर थ्री इज नथिंग बट द ग्रैंड पेरेंट फॉर द नंबर वन क्वेरी, जो मैंने यहाँ वन जिसको लिखा है. क्यों? क्योंकि ये इसका पेरेंट है और पेरेंट का पेरेंट ये है. तो दैट मीन्स दिस वन इज एक्टिंग एज अ ग्रैंड पेरेंट फॉर दिस सब क्वेरी, दिस इन साइड नंबर वन के लिए. नंबर टू के लिए नंबर थ्री जो है वो पेरेंट है. एक्चुअली नंबर थ्री के बाद मैंने कोई भी नहीं डिफाइन किया. आप यहां पर एक और ले सकते हो, नंबर फोर ले लिया. अब फोर के बाद मैंने, अब इस फोर जो है वो थ्री का पेरेंट होगा. ठीक, तो अगर हमने ये कहा कि ये जो है हमारा फोर जो है वो पेरेंट बन गया थ्री के लिए, और ये पेरेंट के साथ साथ हम इसको नाम देंगे रूट क्वेरी ऑल्सो. रूट क्वेरी का मतलब है कि जो सबसे पहला, आई मीन जो पेड़ का जड़ है वो सबसे बड़ी चीज है. तो द नंबर फोर वन इज एक्टिंग एज अ रूट क्वेरी, एंड रूट क्वेरी कैन बी द पेरेंट क्वेरी, बट पेरेंट क्वेरी कैन नॉट बी द रूट क्वेरी. कारण क्या है, ये जो सबसे बाहर डिफाइंड है वही रूट हो सकता है. आई मीन सबसे जो पहली है यहाँ पर, सबसे पहले ये है आउटर में, तो हम इसे बोलेंगे रूट है ये. अच्छा, रूट जो है ये पेरेंट की तरह काम कर रहा है थ्री के लिए. थ्री का ये पेरेंट भी है, और हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये रूट है. अब थ्री को आप देखिए तो ये पेरेंट भी है, साथ ही साथ ये चाइल्ड भी है. किसका चाइल्ड है ये? नाउ थ्री इज एक्टिंग एज अ चाइल्ड ऑल्सो. किसके लिए चाइल्ड का काम करेगा? नंबर फोर के लिए ये चाइल्ड है, बट नंबर टू के लिए ये थ्री जो है पेरेंट है. इसी तरह से नंबर वन जो है चाइल्ड है, या सब क्वेरी बोलोगे. अगर मैंने यहां पर भी चाइल्ड लिखा तो इसका मतलब ये भी सब क्वेरी है. सब क्वेरी का मतलब है चाइल्ड यहां पर. तो सब क्वेरी आपने देखा या चाइल्ड क्वेरी, तो आप देख सकते हैं कि जो मिडिल वाली क्वेरीज हैं वो एक्टिंग एज अ पेरेंट एज वेल एज द चाइल्ड क्वेरी और सब क्वेरी.
तो बट वो रूट नहीं हो सकता, रूट कोई एक होगा, जो सबसे आउटर होगा, जो सबसे बाहर की ओर बैठा होगा वही रूट होगा, और सबसे स्मॉलेस्ट सब क्वेरी जो होगा सबसे अंदर की ओर होगा, जो यहाँ पे वन है। तो ये सब भी है, चाइल्ड भी है, कुछ भी आप कह सकते हो, बट ये चाइल्ड जो है वो किसी का पेरेंट नहीं है। वन जो है, वन के बाद मैंने कुछ डिफाइन ही नहीं किया है, तो इसलिए ये चाइल्ड क्वेरी या सब क्वेरी जो है ये पेरेंट क्वेरी नहीं है। बट पेरेंट क्वेरी किसी के लिए चाइल्ड का भी काम कर सकता है, और पेरेंट क्वेरी जो है वो रूट क्वेरी भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा, इट इज अ मेथड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ टेबल एंड पास द सेम टू इट्स पेरेंट क्वेरी। तो सब क्वेरी का रोल क्या है, ये पहले ये प्रोसेस होगा, जैसे मैंने ये बताया, ये जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेगा ये बाहर वाले को दे देगा, वो उसमें ऐड होगा, तो इसकी वैल्यू इसमें ऐड हुई तो रिजल्ट आपका 10 आ गया। इसी तरह से जो भी रिजल्ट इस चाइल्ड क्वेरी ने प्रोसेस किया वो अपने पेरेंट को देगा, पेरेंट के बाद फिर ये आगे प्रोसेस करके इस तरह से चेन बनती रहेगी, और इसे हम बोलते हैं नेस्टेड सब क्वेरी। आई मीन जब एक के बाद एक डिफाइंड होती है तो हम नेस्टेड कर देते हैं। अगर केवल हमारे पास दो क्वेरी हो तो ये चाइल्ड क्वेरी हो गई और ये इसकी पेरेंट क्वेरी हो गई, तो कोई इशू ही नहीं। लेकिन अगर बहुत सारी क्वेरी अगर डिफाइंड है तो हम उसे फिर नया वर्ड दे देते हैं, नेस्टेड क्वेरी। नेस्टेड क्वेरी का मतलब, नेस्टेड सब क्वेरी का मतलब एक क्वेरी के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी डिफाइंड है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली लिखा है टॉप मोस्ट क्वेरी इज रिफर्ड एज अ रूट क्वेरी। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि क्या होता आउटर वाली। नाउ पेरेंट क्वेरी, अ क्वेरी दैट रिसीव्स वैल्यू फ्रॉम द अदर क्वेरीज। पेरेंट क्वेरी जो अंदर वाली क्वेरी थी या बाहर, तो पेरेंट हमेशा दूसरों से वैल्यू रिसीव करेगा। नाउ चाइल्ड क्वेरी या सब क्वेरी, अ क्वेरी कॉल्ड बाई अनदर क्वेरी, आई मीन पेरेंट ही तो चाइल्ड को बुलाएगा, वो जो अपना रिजल्ट प्रोसेस करेगा उसकी जरूरत पेरेंट को पड़ेगी, वो पेरेंट उसे ले लेगा। ना अब क्वेश्चन आता है कि व्हेन सब क्वेरी इज रिक्वायर्ड। हमें सबसे बड़ा जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आएगी उसे हमें देख के ये डिसाइड करना होगा कि विल इट यूजफुल फॉर द सब क्वेरी और ज्वाइन क्वेरी। ज्वाइन क्वेरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हम सब क्वेरी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ज्वाइन क्वेरी से। आप ये मान के चलिए जितनी भी हम सब क्वेरी से काम करते हैं, हम सबका सब 99% हम ज्वाइन क्वेरी उस पर हम लगा सकते हैं। तो व्हेन आउटपुट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम वन टेबल, अगर हमें एक टेबल से केवल डेटा को डिस्प्ले कराना है और दूसरी टेबल पे हमें कंडीशन लगाना है, तो हम उसमें सब क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। तो व्हेन आउटपुट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम वन टेबल एंड कंडीशन रिक्वायर्स अनदर टेबल फॉर डिस्प्ले, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डिस्प्ले दोज एम्प्लॉय हुज डिपार्टमेंट इज सेल्स। एक्चुअली सेल्स जो है वो किसी और टेबल में है, डिपार्टमेंट का नाम जो सेल्स टेबल है वो डिपार्टमेंट टेबल में है, और इम्प्लॉय की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे है, इम्प्लॉय टेबल में है। इसी तरह से दूसरा क्या है, मैंने आपको बताया अभी था कि एक ही टेबल में हम दो तरह की डेटा देखेंगे, जैसे यहाँ पे आज देखेंगे भी कि व्हेन आउटपुट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम वन और मोर रिकॉर्ड्स एंड कंडीशन रिक्वायर्स अनदर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सेम टेबल। इफ यू हैव सेम टेबल और आपको इसी टेबल से डिस्प्ले भी कराना है और कंडीशन भी लगानी है, तो हम उस केस में यहाँ पर सेल्फ ज्वाइन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज द डिस्प्ले दोज इम्प्लॉय हु आर वर्किंग अंडर द किंग। अब एक्चुअली किंग भी इसी टेबल में है और किंग के अंडर काम करने वाले भी इसी टेबल में है, तो इस तरह की क्वेरी में भी हमें यहाँ पर सब क्वेरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले चलो इस चीज को देखते हैं, उसके बाद फिर आगे इसमें और भी तरीके के क्वेरीज हैं। तो लेट्स सी द प्रैक्टिकली कि इसे हम कैसे करेंगे। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा कि चाइल्ड क्वेरी क्या है और सब क्वेरी क्या है। तो नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर टू रन दिस। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको टेबल दिखाऊं कि यहां पर देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो आप देखिए ईएमपी टेबल में है। अभी मैंने आपको यहां पर बताया कि एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय नेम, जॉब और मैनेजर एंड हायर डेट सैलरी। अब आप इस मैनेजर वाले कॉलम से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि दिस टेबल कंटेन्स टू थिंग। टू थिंग्स कैसे हुआ, एक तो मैनेजर की इन्फॉर्मेशन भी रख रहा है, दूसरा एम्प्लॉय की भी। कैसे हम यहाँ पे मैनेजर की इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमजीआर कॉलम है। ये एमजीआर कॉलम हमें बता देता है कि इस एम्प्लॉय का बॉस कौन है, जैसे 7698 का बॉस 7839 है, इसी तरह से 7782 का जो बॉस है ये है। तो आप इसे ना ऐसे समझ लो, अगर फिजिकली मैं आपको दिखाऊं, आप अपने हाथ में दो कॉपियां ले लो, एक लेफ्ट में एक राइट में। आप मान के चलो जो लेफ्ट हैंड है वो आपकी इम्प्लॉय टेबल और राइट हैंड जो है वो आपका मैनेजर टेबल है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मैनेजर और इम्प्लॉय टेबल में रिलेशन है। क्यों, मैनेजर टेबल में हमारा जो मैनेजर की तरह काम कर रहा वो भी तो इस कंपनी का एम्प्लॉय है। अगर आप देखिए तो 7839 यहाँ पर है, 7839 जो है किंग है,
किंग की इन्फॉर्मेशन भी आपको एम्प्लॉय नंबर में मिल जाएगा. ऐसा नहीं कि एमजीआर वाली वैल्यू आपको एम्प्लॉय नंबर में नहीं मिलेगी. बट हम ये इमेजिन करते कि हमारे पास टू टेबल है एम्प्लॉय की, एक लेफ्ट में एक राइट में. लेफ्ट वाले को हमने माना कि एम्प्लॉय टेबल है, दूसरा हमने माना कि वो मैनेजर टेबल है. तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय का नंबर लेंगे, मैनेजर टेबल से मैनेजर का नंबर लेंगे, उनको ज्वाइन करके देखेंगे कि कौन कौन इसका बॉस है. लेट्स डू दिस. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल देखें, डिपार्टमेंट टेबल, अब डिपार्टमेंट टेबल में क्या डेटा है उसको एनालाइज कर लेते हैं. यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है और लोकेशन. तो जस्ट नाउ आई आस्क द क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिकली कि डिस्प्ले दोज एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन सेल्स. आई नो द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट बट आई डोंट नो द 30 इज द नेम ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट. क्योंकि हर एम्प्लॉय के नाम के सामने उसका डिपार्टमेंट नंबर तो है पर डिपार्टमेंट नेम नहीं है. इफ समबडी फॉरगेट की डिपार्टमेंट नंबर सेल्स का क्या नंबर है तो नहीं याद है, तो आप सेल्स लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो, हमें दो क्वेरी लिखनी पड़ेगी. तो आई एम गोइंग टू राइट हियर, हमें डिस्प्ले कराना है उन एम्प्लॉयज को जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP. नाउ आई एम राइटिंग द नेक्स्ट लाइन वेयर, आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं वेयर. अब देखिए दोनों टेबल में कनेक्शन क्या है, डिपार्टमेंट नंबर इज अ कॉमन थिंग. तो आई एम राइटिंग हियर डिपार्टमेंट नंबर, आई एम टेकिंग यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय का, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू. नाउ यूज द ब्रैकेट, सब क्वेरी में हमेशा ब्रैकेट लगेगा. नाउ सेलेक्ट, अब देखिए यहां पर मैं यहां पे लिखने जा रही हूं डीपीटी नंबर. आई एम नॉट राइटिंग स्टार हियर, इफ यू राइट हियर स्टार आई विल टेल द व्हाट इज द प्रॉब्लम. फर्स्ट लिखते हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डीपीटी टेबल का नाम, वेयर डी नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स में कैप्स में लिखेंगे सेल्स एंड क्लोज दिस एंड पुट द सेमी कॉलन एंड देन आप इसे पहले सेलेक्ट करोगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक क्वेरी लिख रखी है, देन रन दिस. तो आप देखिए यहाँ पे क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था सेल्स का डिपार्टमेंट नंबर 30 था, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं फिल्टर होके सब 30 डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग ही आए हैं. दैट मीन्स देर आर 6 एम्प्लॉयज हुआ वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर सेल्स, डिपार्टमेंट नंबर 30 और यू कैन से. तो अब हमें ये पता चल गया कि सेल्स का जो डिपार्टमेंट नंबर. नाउ द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड कि व्हाई आई एम राइटिंग हियर डिपार्टमेंट नंबर. हम यहाँ पे भी तो स्टार लिख सकते हैं, पुट द हियर स्टार एंड सी द डिफरेंस. आई विल नॉट गिव द आंसर, यू कैन चेक हियर. सी दिस टू मैनी वैल्यूज, टू मैनी वैल्यूज का मतलब क्या है, इफ यू आर पुटिंग हियर स्टार देन वॉट, देर आर थ्री कॉलम इन द डिपार्टमेंट, दैट इज अ डिपार्टमेंट नंबर डी नेम एंड लोकेशन. तो इट इज रिटर्निंग थ्री वैल्यूज टू द डिपार्टमेंट नंबर और लेफ्ट हैंड साइड पे केवल एक लेफ्ट हैंड साइड है. अगर आप ये सारा लिख रहे हो तो फिर आप यहाँ पर इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करो. इन ऑपरेटर ले लेगा मैनी वैल्यूज तो भी ये इनवैलिड कैरेक्टर आएगा. कारण क्या है, यहाँ पर आप डिपार्टमेंट नंबर ले रहे हो, डिपार्टमेंट नेम ले रहे हो, लोकेशन ले रहे हो. डिपार्टमेंट नंबर एक न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर वैल्यू है, जो कि यहाँ पर वो कैरेक्टर वैल्यू के इक्वलेंट नहीं हो सकती जो हम मैच करा रहे हैं. तो वी हैव टू चूज दैट पर्टिकुलर वैल्यू जो दोनों तरफ लेफ्ट राइट में बराबर हो. तो यहाँ पे अब देखो मैंने अगर इन ऑपरेटर ले लिया तो भी ये काम करेगा. ओके इक्वल टू दिस, बहुत सारे एक्चुअली मैंने एक साथ दो क्वेरीज को ले ली थी ना इसलिए रन नहीं हो रहा था. तो नाउ दिस, तो ये आ जाएगा. लेट सी दिस ईयर कि इन के साथ काम कर रहा है कि नहीं. इन क्या होता है, राइट हैंड साइड वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज लेगा और लेफ्ट में जो होगा सिंगल वैल्यू है. तो भी यहाँ पे इन क्या, भाई लेफ्ट में इसने क्या रिट्रीव करके दिया, जिसका डिपार्टमेंट का नाम सेल्स है उसकी वैल्यूज को निकाला यहाँ पे. वेयर डी नेम, तो डी नेम क्या है यहाँ पर सेल्स, तो यहाँ पे क्या करेगा डिपार्टमेंट टेबल से उस डिपार्टमेंट का नंबर ये बताएगा. तो दैट विल कम हियर 30, यहाँ पर ये 30 आया. ये जो वैल्यू हुई आपकी वो 30 आ गई. तो यहाँ पे जो आपका 30 आया, यहाँ पे 30 आएगा. कैसे आएगा, यहाँ पे लिखा वेयर डी नेम सेल्स है तो सेल्स का
कौन सा डिपार्टमेंट नंबर है, तो यहाँ पे आपका 30 आ गया, ये राइट हैंड साइड 30, और डिपार्टमेंट नंबर में क्या एम्प्लॉय के 10, 20, 30, यहाँ पे तीन वैल्यूज हैं, दैट मीन्स 10, 30, 20 है, तो ये क्या करेगा, मैच करेगा, जिसका जिसका डेटा मैच करेगा, आई मीन एम्प्लॉय टेबल 14 टाइम्स रन हो रही है, जबकि डिपार्टमेंट टेबल एक बार रन हो रही है। कैसे एक बार रन हो रही है, ये जो क्वेरी है केवल एक बार काम किया उसने, उसने कैसे फिल्टर किया, जिस डिपार्टमेंट का नाम सेल्स है उसकी वैल्यू ये लेके आया, तो इसके राइट हैंड साइड पे यहाँ पर 30 वैल्यूज आ गए। आई एम अनएबल टू राइट हियर बिकॉज दिस इज अ सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 30 वैल्यू आ गई डिपार्टमेंट नंबर की। अब राइट हैंड साइड 30 है बट लेफ्ट हैंड साइड में कितनी वैल्यू है, क्यों, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर, भाई एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 3 है यहाँ पे 10, 20, 30, लेफ्ट हैंड साइड तीन वैल्यू है, राइट हैंड साइड एक वैल्यू है, वो दोनों को मैच करेगा कि लेफ्ट वाली की कौन सी वैल्यू राइट वाले से मैच कर रही है, तो जो मैच करेगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से वो उसका डेटा यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। इफ आई राइट हियर इंस्टेड ऑफ सेल्स आई राइट हियर रिसर्च, तो यहां पर देखो रिसर्च डिपार्टमेंट आई होप साइड 20 है, यस 20 आ गया, जिसमें पांच लोग सेलेक्टेड है, तो इसने यहाँ राइट हैंड साइड पे 20 फिल्टर किया, लेफ्ट हैंड साइड के 10, 20, 30 से मैच किया, जो मैच हुआ उससे यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। कुल मिला के अगर मैं इसका प्रोसेस की बात करूं, इसकी सर्चिंग टाइम की बात करूं, तो सब क्वेरी रन्स ओनली वन टाइम, यू कैन सी हियर रिसर्च वाले कीवर्ड को पकड़ के उसने डिपार्टमेंट नंबर को फाइंड आउट किया, और लेकिन आपका जो पैरेंट क्वेरी है दैट इज दिस वन, डिस्प्ले हम कहाँ से कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल से, कंडीशन कहाँ पे लगा रहे हैं हम, चाइल्ड टेबल पे, आई मीन दैट इज डिपार्टमेंट नंबर मेरे लिए यहाँ पर चाइल्ड टेबल की तरह काम करेगा, क्योंकि हमें इसको सब क्वेरी में लिखना था, हम ऐसे डिपार्टमेंट का नंबर ढूंढ रहे थे जिसका नाम है रिसर्च, तो कंडीशन मुझे इस पे लगानी थी, तो इसलिए हमने इसको सब क्वेरी में लिखा, और सब क्वेरी इस वाले केस में एक बार रन कर रही है, एक बार रन कर रही, लेकिन पैरेंट क्वेरी जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके इस टेबल में होंगे उतनी बार ये रन करेगी, और ईएमपी टेबल में टोटल 14 कॉलम रोज है सॉरी, तो वो 14 टाइम्स रन कर रहा है। सपोज अगर इसमें 100 रिकॉर्ड्स होता तो ईएमपी टेबल 100 टाइम्स प्रोसेस होता, वो हर एक रिकॉर्ड की वैल्यू को चेक करता और मैच करता और डिस्प्ले कराता। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब क्वेरी। नाउ अगेन यहाँ पर मैंने एक दूसरी क्वेरी भी लिखी थी कि व्हेन द आउटपुट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम वन और मोर रिकॉर्ड्स एंड कंडीशन रिक्वायर्ड्स अनदर रिकॉर्ड्स देन द सेम टेबल इज यूज डिस्प्ले दोज एम्प्लॉय हु आर वर्किंग अंडर द किंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वापस आते हैं अपने इस पे सॉफ्टवेयर पे, तो हम यहाँ पर अगर देखें यहाँ किंग तो नहीं है पर मैनेजर कॉलम पे हम देख लेते हैं। अब हमें जो किंग है वो बोल रहे ना हु इज वर्किंग अंडर द किंग, इसका मतलब है जो किंग है वो मैनेजर की तरह काम कर रहा है। किंग का नाम तो पता है बट मुझे उसका एम्प्लॉय नंबर नहीं पता, तो आई एम लुकिंग द एम्प्लॉय नंबर ऑफ किंग। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेरी जो लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर, हमें क्या करना है मैनेजर नंबर ढूंढना है, किसका मैनेजर नंबर ढूंढना है किंग का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे MGR वेयर MGR इक्वल टू आई डोंट नो द MGR, तो हम MGR नंबर लेके कहाँ से आएंगे सब क्वेरी से सेलेक्ट। अब एक्चुअली लेफ्ट में मैनेजर नंबर है लेकिन हम यहाँ पर मैनेजर भी तो उस कंपनी का एम्प्लॉय है, तो आई एम लुकिंग हियर सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम ईएमपी, अगेन आई एम राइटिंग हियर ईएमपी वेयर ई नेम इक्वल टू किंग, मैंने यहां किंग लिख दिया, तो ये क्या करेगा जो सब क्वेरी है, सब क्वेरी क्या करेगा किंग जो है किंग का इम्प्लॉय नंबर ढूंढ के हमें दे देगा। राइट साइड में हमें किंग का इम्प्लॉय नंबर मिल जाएगा और जब इस इम्प्लॉय नंबर को मैनेजर कॉलम के मैनेजर नंबर से वो मैच करेगा, आई मीन ये जो मैनेजर कॉलम है ये वाला मिडिल वाला ये वाला, तो MGR कॉलम के जितने भी मैनेजर होंगे उस नंबर से कंपेयर करेगा, जो जो नंबर इस राइट हैंड साइड के नंबर से मैच कर जाएगा उसे वो डिस्प्ले कर देगा। तो नाउ रन दिस, आप देखिए तीन लोग हैं और वैसे भी हम एम्प्लॉय टेबल में हम देखते हैं तो किंग तीन लोगों का बॉस था, ब्लेक क्लार्क, आप देख लीजिए किंग का नंबर क्या है 783978, आप चाहो तो किंग का नंबर देख सकते हो कि करेक्ट है कि नहीं, सेलेक्ट 7839 है ना,
तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार की जगह, चलो स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इक्वल टू किंग, तो देख सकते हैं आप किंग का जो नंबर एम्प्लॉय नंबर है वो 78389 है, 78389 है। और यही आप देख रहे थे कि जब हमने इस क्वेरी को चलाया था तो ये 783 के अंडर में जितने लोग काम कर रहे थे उनको लिस्ट कर दिया। देखो एमजीआर क्या है, 78397839, और उसके अंडर में ये तीन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो दिस इज द वे यू कैन डू द सब क्वेरी। पहली क्वेरी आपकी ये थी, दो डिफरेंट टेबल से, एक टेबल से आप डेटा को डिस्प्ले करा रहे थे, दूसरे टेबल पे आप कंडीशन लगा रहे थे। नाउ दूसरी क्वेरी मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी एम्प्लॉय टेबल है वो सेल्फ है, आई मीन दिस टेबल अकेले ही दो लोगों का डेटा कंटेन कर रहा है, एम्प्लॉय का भी और मैनेजर का भी। तो सिंगल टेबल पे भी आप लगा सकते हैं सब क्वेरी। कैसे, कुछ पार्ट जो होगा उस टेबल का डिस्प्ले करने में यूज हो रहा था, तो कुछ पार्ट उसका हमारा कंडीशन अप्लाई। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, सब क्वेरी एक बार रन होती है और जो पैरेंट क्वेरी होगी वो नंबर ऑफ टाइम्स डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने प्रेजेंट, आई मीन जितने उस टेबल में रिकॉर्ड्स हैं उतनी बार वो चलेगी। तो इस टेबल में 14 रिकॉर्ड है, 14 है, तो 14 टाइम्स चलेगा और सब क्वेरी एक बार काम करेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब क्वेरी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। Now, when manipulation is required on one table and condition requires another table, for example, delete those employees who are in sales department. तो ऐसा नहीं केवल हम डिस्प्ले ही करा सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखो, सपोज आई एम टेकिंग दिस वन, पहले तो मैं यहां से ऑटो कमिट ऑफ कर दे रही हूं, वरना तो डिलीट कर देंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो अब देखो हमने लिखा डिलीट फ्रॉम ईएमपी, क्योंकि डिस्प्ले पार्ट कहाँ से हो रहा है आपका एम्प्लॉय, आई मीन यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा, डिलीट हो रहा है। वेयर डिपार्टमेंट नंबर क्या है आपका, जहां पर डिपार्टमेंट सेल्स है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा कि डिपार्टमेंट नेम क्या है आपका, सेल्स है, तो सेल्स डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर लेके आओ और उसको डिलीट कर दो। सेम है प्रीवियस क्वेरी की तरह, डिस्प्ले की जगह आपने डिलीट कर दिया, देन रन कर दीजिए। तो 6 रोज डिलीटेड, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस वन। केवल एम्प्लॉय टेबल में टोटल 14 है, अब 6 लोग चले गए हैं तो 8 लोगों को डेटा बचा होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे 8 रोज आ रहे हैं क्योंकि 6 लोग तो डिलीट हो गए, रोल डिपार्टमेंट नंबर 30 पूरी तरह से डिलीट हो गया है। ठीक, अब इसमें 10 एंड 20 का ही डेटा बचा हुआ है। तो सब क्वेरी बेसिकली वहां लगाई जाती है जहां पर हमें डिस्प्ले एक जगह से कराना है या डिलीट हमें एक जगह से कराना है और कंडीशन हमें कहीं और लगानी है। तो अगर कंडीशन कहीं और पे लग रही है, डिस्प्ले कहीं और से हो रहा है, तो हम सब क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन वाले पार्ट को सब क्वेरी में रखेंगे, डिस्प्ले वाले पार्ट को हम पैरेंट क्वेरी में रखेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब क्वेरी।